है जहां पर बता दे आपको कि देवव्रत सिंह ने कांग्रेस से छोड़ने की घोषणा यहां पर की है। ऐसी अटकलें लगाए जा रहे हैं कल से कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता देवव्रत सिंह के इस्तीफे देने की खबरें सोशल मीडिया से वायरल हो रही थी। इधर आज खैरागढ़ में उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा यहां पर कर दी है। तो ऐसी अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि काफी दिनों देवव्रत सिंह संगठन से नाराज चल रहे थे, दूसरी तरफ जो कि कांग्रेस के साथ उनकी नजदीकियां भी बढ़ रही थी। और इस पर तमाम चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे स्टेट हेड आर के गांधी जी। गांधी जी, क्या वजह यहां पर मानी जाए देवव्रत सिंह जी की जो नाराजगी यहां पर देखी जा रही है? देखिए, यहां पे जिस तरह से उन्होंने खैरागढ़ में बातें रखी है कि पार्टी में जिस तरह से उनका व्यवहार, उनके साथ में जो व्यवहार हो रहा था, ऐसा व्यवहार हो रहा था मानो कांग्रेस को अब उनकी जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो कदावर कांग्रेस नेता देवव्रत सिंह ने यहाँ कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है और राजनांदगांव में जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ पे कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो किस पार्टी में जा रहे हैं इस बारे में देवव्रत सिंह ने अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन चर्चा ये है कि जोगी कांग्रेस में जल्द ही औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं। हालांकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने ये साफ किया कि कई पार्टी से उन्हें ऑफर है, लेकिन अभी उन्होंने अपना इरादा तय नहीं किया है। और खास बात यह है कि ये AICC के प्रवक्ता रहे हैं, पूर्व सांसद हैं और काफी दिनों से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। और कांग्रेस छोड़ने के बाद में जिस जो बातें उन्होंने कही है उसमें कि जिस तरह से पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को अब उनकी जरूरत नहीं है और कई बार उन्होंने आपत्ति जताई थी, लेकिन कांग्रेस से लगातार उनकी उपेक्षा हो रही थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि 97-98 में कांग्रेस की टिकट पर राजनांदगांव के सांसद रह चुके हैं और 5 बार बताया जाए 5 बार खैरागढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो काफी कद्दावर नेता है राजनांदगांव क्षेत्र में उनका अपना कद्दावर नेता। गांधी जी, आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस का कितना नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर जिस पार्टी में भी जाएंगे अटकलें यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि जो कि कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। बहरहाल, अब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है किससे जुड़ेंगे तो वक्त आके तस्वीर साफ होगी, लेकिन कितना फायदा उस पार्टी को भी होता हुआ नजर आएगा और कितना नुकसान कांग्रेस को? देखिए, अगर बात की जाए देवव्रत सिंह के बारे में तो यहाँ पे देवव्रत सिंह का एक अपना जनाधार है उस क्षेत्र में, राज परिवार से उनका संबंध है और कुल मिलाकर अगर जी चले गांधी जी, ठीक है बहुत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। देवव्रत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत जी, स्वागत है आपका सामना न्यूज में। देवव्रत जी, यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी कांग्रेस छोड़ने की, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही थी, लेकिन आज घोषणा कर दी गई है, क्या वजह मानी जाए यहाँ पर? काफी दिनों से आत्मंथन कर रहा था, निर्णय मेरे लिए बहुत है, लेकिन पिछले करीब 6-7, 5-6 वर्षों से लगातार मैं देख रहा था कि पार्टी के अंदर में शायद मेरी जरूरत नहीं थी या उतना उपयोगी नहीं था। और राजनीति में आदमी अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता रहता है, पर मुझे लगा कि शायद मेरी आवश्यकता अब संगठन को या पार्टी को नहीं है। और जिस तरीके से किनारे करके सारे बातें हो रही थी, मुझे लगा कि शायद अलग होना ही उचित होगा। और देखिए, उपेक्षा भी कोई चीज नहीं होती, कहीं कहीं लगता है कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से भी कहीं कहीं हट रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्रदेश में प्रदेश चल रही कांग्रेस चल रही है, अपने कार्यकर्ताओं को ये बताने में साबित नहीं हो पा रहे कि सरकार बना लेंगे। किसी भी मुद्दे पर पार्टी की लड़ाई लड़ती है उसको कभी अंत तक पहुंचाती नहीं है, मुद्दे को ऐसे छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार का भी वातावरण छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में है, मुझे नहीं लगता है कि हम एक सशक्त भूमिका में कहीं लड़ाई लड़ पाएंगे। ठीक है देवव्रत जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस तो आपने छोड़ दी है, अटकलें लगाई जा रही है कि जोगी कांग्रेस से आप जुड़ सकते हैं, आपसे जानना चाहूंगा कौन सी वो पार्टी होगी जिसके साथ चढ़ के आप आगे काम करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी सबसे पहले मैंने जो देश के हमारे मुद्दे नेता उनको अवगत कराया जी। और इस बारे में प्रयास बहुत भी चल रहा है, पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने तक तो मैंने किसी पार्टी से, किसी नेता से, कहीं किसी से कोई बातचीत नहीं की। अब अटकले लोग लगा रहे हैं तो उसका कोई ये नहीं है, क्योंकि मेरे सामने दो ही विकल्प थे कि या तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करूं या राजनीति से संन्यास ले लूँ। स्थिति लगभग ऐसी बन गई थी, तो मैंने प्रयास जरूर किया, पिछले 4-5 महीने से लगातार प्रयास किया, लेकिन प्रदेश को ये लगा कि ना ही मेरे कोई वजूद है, ना ही कोई मेरी हैसियत है, ना ही मेरी जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर है कि आदमी अलग हो जाए और छोटी छोटी चीज में जब पूछा परखना जाए तो मुझे लगता है कि शायद मेरी मतलब